माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत करता हूं। चन्नापटना बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ 200 साल पुराना हिस्ट्री भी है। आप बैठ करके बोलिए, बैठ करके बोलिए। चन्नापटना आर्टिजन के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत करता हूँ। चन्नापटना बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ 200 साल पुराना हिस्ट्री है। यहाँ पर दो स्टेट अवार्ड भी लेकर रही। चन्नापटना जी ए रजिस्टेंट 2000 आर्टिजन काम करते हैं, 80% जेंट्स और 20% लेडीज। चन्नापटना वुडन टाइस खिलौने बनाने के लिए दूधी का लकड़ी कैडा में आले मरा बोलते हैं, आसपास विलेजेस में ही मिल जाता है। उसको लकड़ी लाकर उसको सीजन करके काट के उसको मॉडल बना के टर्निंग करके उसको कलरिंग करके उसको हम बनाते हैं। यह है रिंग सेट, काउंटिंग सेट भी कहा जाता है। और यह है अबकास और बच्चों के लिए भी बहुत पसंद है। यह है प्लेन, यह है इंजिन। इंडिया कई आपको बचपन याद करा रहे हैं। इंडिया टॉय फेयर 2021 चन्नापटना में क्लस्टर के तरफ से 15 आर्टिजन को भाग लिया है। भारत सरकार को हम धन्यवाद करते हैं। 2021 इंडिया टॉय फेयर चन्नापटना में बिजनेस भी बढ़ेगा और चन्नापटना का नाम भी बड़ा हो जाएगा। चन्नापटना आर्टिजन के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। आपका ये क्लस्टर तो देश के सबसे बड़े क्लस्टर में से एक है। आप सब लोग, कुल कितने लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं और कितने समय से काम कर रहे हैं? इसमें 2000 लोग जुड़े हुए हैं और 200 साल से पुराना परंपरा है। कुछ नया इनोवेशन के लिए कुछ करते हैं कि वही परंपरा चलती है? कुछ नया भी करने के लिए थोड़ा सरकार का भी सारा सपोर्ट चाहिए और ट्रेनिंग सेंटर भी खोलना चाहिए। नहीं, कभी आपको विचार आया कि बेंगलुरु इतना बड़ा स्टार्टअप का हब है, इतना बड़ा आईटी का हब है, बहुत ही अच्छे टैलेंटेड वहां नौजवान भी काम करते हैं और देश भर के बच्चे काम करते हैं, कभी उनको यहां ले जाएं, उनको दिखाएं और उनको कहें कि भाई आप सब आधुनिक बच्चे हैं, आपके आधुनिक सोच है, आधुनिक टेक्नोलॉजी जानते हैं, बताइए हमारा ये खिलौनों को हमको क्या करें या हम खिलौनों को दुनिया में कैसे पहुंचाएं, तो शायद ये बहुत आपकी मदद हो सकती है। कभी सोचा है ऐसा? हाँ सब सोचा है। ट्रेनिंग सेंटर उधर सिर्फ दो है, थोड़ा ज्यादा करने से हम भी। अच्छा, आपके चन्नापटना इलाके में जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर है उससे जो पिछले दिनों ही उसको बल दिया गया है, इससे आपको क्या लाभ हो रहा है? हमारे को तो लाभ है, सिर्फ दो सेंटर है, इसलिए और ज्यादा करने से हमारे को और ज्यादा हम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ये जनधन खाते, मुद्रा लोन, ऐसी अनेक योजनाएं सरकार ने वो इस प्रकार के जो लोग मेहनत कर लोग हैं उनके लिए बना के रखी है। पहले की तुलना में इन योजनाएं से अब आपको बिजनेस में और क्या अंतर आया है? जनधन योजना तो सभी को मालूम है और अकाउंट के लिए हमारे को बहुत इजी है। डायरेक्ट पार्टी हमारे को अकाउंट में पैसा मिल जाता है, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं अकाउंट। क्या आपने कभी अपने इस चन्नापटना में बनने वाले ये जो अपने खिलौने हैं उसको ई मार्केट से देश में और दुनिया में उसको बेचने की कोई कोशिश की है और उसमें कोई सफलता मिलती है? हम तो कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा ऑफिसर लोग भी हमारे को
बढ़ावा दिए तो हम कर सकते हैं। देखिए ऐसा है, सरकार तो करेगी और करना भी चाहिए, और ये इसी का एक भाग है कि मैं पिछले कई दिनों से खिलौनों के लिए बोलता रहता हूं, और आज एक बड़ा कार्यक्रम भी कोशिश किया है। इसके पहले जैसे अभी स्मृति जी ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय ने भी बहुत बड़ा काम किया है, तो ये तो है, लेकिन जब तक आप लोग भी नया और नए तरीके उसको नहीं करेंगे, हर बार यही कहते रहेंगे भाई सरकार करेगी तो हो जाएगा, सरकार करेगी तो हो जाएगा। सरकार जितना कम करे उतना ही अच्छा है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का मुझे मौका मिला। अब चन्ना पटना के उत्पादों को सिर्फ एक क्षेत्र, राज्य या देश में ही नहीं, दुनिया के स्तर पर हमें प्रसिद्ध करना है। चन्ना पटना के खिलौनों से पूरी दुनिया के बच्चों के चेहरे खिल उठे, इसके लिए हमें मिलकर काम करना है। और जैसे आपकी अपेक्षा है, सरकार को आप सुझाव देंगे तो हम जरूर उसमें सक्रियता पूर्वक आपके साथ जुड़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि कर्नाटक गवर्नमेंट भी, जो बेंगलुरु के स्टार्टअप्स हैं, बेंगलुरु के जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ आपका एक अच्छा वर्कशॉप करें, ताकि हो सकता है दोनों तरफ से बातें सुनकर के एक नई योजना की दिशा में हम जा सकते हैं। आप कभी बच्चों को कौन से खिलौने पसंद आते हैं उसका कभी बच्चों से या बच्चों के माँ बाप से कभी चर्चा करते हैं, जो पहले से बना रहे बस बिक गया तो बिक गया, ऐसा करते हैं? बच्चों को टॉयज बहुत पसंद है, इसमें विजिटेबल डाइस यूज किया जाता है, इसमें कुछ केमिकल्स कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपने कभी अपने क्लस्टर में, आपके यहाँ जो 2000 लोग काम करते हैं, उन्हें बीच में स्पर्धा की कि भाई इस वर्ष सबसे नया और उत्तम खिलौना हमारे 2000 लोगों में से किसने बनाया, उसको हमें क्या अवार्ड देंगे, ऐसा कभी सोचा क्या? हाँ सोचा है सर। अच्छा, कुछ ना कुछ बनाने के लिए सोचा है सर। करते हैं ऐसा? करते हैं सर, कोशिश करते हैं सर। कितने समय से करते हैं? हम 32 ईयर से काम कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये कॉम्पिटिशन आपके यहाँ जो क्लस्टर में 2000 लोग काम करते हैं उनको स्पर्धा, भाई जो नया खिलौना, अच्छा खिलौना, नए तरीके का खिलौना बनाएगा हमारे में से, उसको इस बार ये अवार्ड दिया जाएगा। तो ऐसा कोई व्यवस्था आपके भीतर आपने बनाई है क्या? हाँ सर, बनाया है। पिछली बार किसको अवार्ड मिला था? पिछली बार हमारे पंचायत साहब को मिला है सर। क्या बनाया था उन्होंने? वो हनुमान बनाया था सर। नहीं, हनुमान तो पहले भी बनते होंगे भाई। देखिए, जब तक आप नया नहीं सोचेंगे, नए तरीके से नहीं सोचेंगे, तो मैं नहीं मानता हूं कि जो दुनिया में हमें पहुंचाना है उसमें पहुंचाने में मदद मिलेगी। खैर, आप लोग सोचिए, मैं डिपार्टमेंट को कहता हूं बहुत बारीकी से आपसे बातें करते रहें, हम आगे सोचेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी के खिलौना बनाने वाले कारीगरों के पास। यहाँ के लकड़ी से बने खिलौने बहुत मशहूर हैं। उत्तर प्रदेश का वाराणसी टॉय क्लस्टर। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, सभी बनारसवासियों के तरफ से, आप बैठिए, आप बैठिए। और वाराणसी में आया हूँ और आप हर हर महादेव न बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? हर हर महादेव। मैं रामेश्वर सिंह, वांछी लकड़ी खिलौना बनाने का शिल्पी हूँ। भारत सरकार ने हमको 2015 में नेशनल मेरिट अवार्ड से पुरस्कृत किया हुआ है, और वाराणसी में जो लकड़ी खिलौना बनाने वाले लोग हैं करीब 1200 हैं प्रधानमंत्री जी, उसमें से 1000 पुरुष हैं, 200 महिलाएं हैं। ये खोजवा, कश्मीरी गंज और आसपास के इलाकों में विस्तृत है। हमारा जो इसमें
एक राष्ट्रीय पुरस्कार और 7 राज्य पुरस्कार हस्तशिल्पी हैं। हम लोग जो लकड़ी खिलौना पहले कुरैया की लकड़ियां बनाते थे, लेकिन विगत वर्षों से हम लोग यूकेलिप्टस की लकड़ी से लकड़ी खिलौना बना रहे हैं और बुरक की लकड़ी द्वारा हम लोग मूर्ति बनाते हैं। इसका प्रोसेसिंग ये ऐसा है कि हम लोग अपने मन चाह हिसाब से लकड़ी को काट लेते हैं और काटने के बाद में पारंपरिक टूल द्वारा और पारंपरिक कुंद मशीन पे उसको चढ़ा करके उसको मनसाहा शेप देने के बाद में लाख जो होता है कलरफुल लाख से द्वारा इसको अंतिम रूप देते हैं। 2013 में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे इस लकड़ी खिलौने को बौद्धिक संपदा अधिकार में रजिस्टर्ड किया गया और हमारी ये जो कला है वर्षों पुरानी है, हमारे पूर्वज जो है इसको इसी पारंपरिक कला से इसको बनाते चले आ रहे हैं। हम लोग सभी आर्टिजन भाई मिल करके इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लकड़ी खिलौने बनाए जाते हैं, जैसे कि बच्चों के लिए चुसनी, जो कि जब दांत निकलता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी बच्चों के लिए चुसनी बनाया जाता है और घुंघना बनाया जाता है और हम जो खेलते थे लट्टू जो रस्सी वाला है वो बनाते हैं। हमारा और भी उत्पाद है जो कि घरेलू उत्पाद भी है। अच्छा ये मुझे बताइए, देखिए मैं तो आता रहता हूँ तो जब भी आता हूँ तो कभी न कभी तो आप लोगों के बीच आने का मुझे मौका भी मिलता है, आपके खिलौने भी मैंने जब मुझे देखने का अवसर मिला है और जैसा आपने बताया कि आजकल नए नए खिलौने चलते हैं। देखिए बच्चों की बड़ी विशेषता होती है, जो अगल बगल में देखते हैं ना उसको वो जीना चाहते हैं। मैं पक्का मानता हूं कि आज कई घरों में बच्चे जब खिलौने लेकर के खेलते होंगे तो माँ बाप से झगड़ा करते होंगे कि मेरे खिलौने के मास्क लगाओ, वो आग्रह करते होंगे कि मेरा खिलौने को मास्क क्यों नहीं है। क्या कभी आप ये सोचते हैं कि भाई अभी कोरोना है तो बच्चों को भी खिलौना वो चाहिए जिसको मास्क चाहिए, अलग से एक मास्क देना चाहिए, बच्चा मास्क खिलौने के पहना है और बच्चा करता ही है। आपने देखा होगा दिल्ली में एक बड़ी इंस्पायरिंग घटना है खिलौने वालों के लिए। एक बच्ची को पग में फ्रैक्चर हो गया, अब उसको अस्पताल में पैर ऊंचा करके रखना पड़ता था लेकिन वो रोती थी, मानती नहीं थी। फिर उस डॉक्टर ने उस मनोवैज्ञानिक तरीके से एक खिलौना जो उसको पसंद था उसको उसके साथ सुलाया और खिलौने को भी वैसे ही पैर में फ्रैक्चर है ऐसा करके पट्टी बांधी और उस पैर को लटकाया। उस बच्ची को इतना अच्छा लगा कि वो डॉक्टर को कोऑपरेट करने लगी। मतलब खिलौना बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। क्या कभी आप मेरे काशी के लोग खिलौनों के संबंध में बच्चा क्या सोचता है, कैसे करता है, क्या कभी उसके लिए कुछ करते हैं, क्या कभी चर्चा करते हैं, क्या क्या काशी विश्वविद्यालय के ऐसे मनोवैज्ञानिक जो प्रोफेसर हैं उनको बुला करके कहते हो कि भाई जरा हमारे खिलौने वालों को बताओ बच्चों को लेके हमें क्या करना चाहिए, ऐसा कभी चर्चा करते हैं क्या? जी गुरु जी, हम लोग नया जो डिजाइन बनाए हैं, पहले हम लोग का स्टैंडिंग खिलौना होता था, अभी हम लोगों ने ये जो अभी जो बच्चे अपने हाथ द्वारा ये जो चलाते हैं गाड़ियां, इसको हमने एक नया एवेंजर दिया है, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये जो ऑटो ट्रक में इसको अपने बैटरी द्वारा मोटर फिट करके बनाया है, ये नया एनिमेशन है और हम इसको सेंसर द्वारा इसको रोक नहीं पा रहे हैं, बैक नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री से निवेदन है कि हमको नई टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको एड्रेस किया जाए जिससे कि हमारा लकड़ी का खिलौना जो है और आगे बढ़े। ये जो वर्कशॉप है वो ये जो आप कह रहे हैं इस काम के लिए ही है, ये टॉय फेयर लगाया है वो इसी काम के लिए लगाया है। अब आप इसका फायदा उठाइए और प्रधानमंत्री का इंतजार मत कीजिए, ये प्रधानमंत्री ने इसीलिए आपके घर में ये चीज लेके आया है। देखिए अब तो वाराणसी में एक बेहतरीन हस्तकला संकुल भी सेवा दे रहा है और आप में से ज्यादातर लोगों का मुझे वहीं पर मिलना हुआ है। आप लोगों को इस हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए सरकार से जो मदद चाहिए वो मिलेगी और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोग नया करेंगे। अब तो मैं देख रहा हूं
आपके साथ नौजवान पीढ़ी भी बैठी हुई है, तो नौजवान तो जरूर कुछ न कुछ सोचती होगी। देखिए, हर पीढ़ी के साथ पसंद नापसंद बदलती रहती है। जो हमारे पूर्वज जिन खिलौने से खेलते होंगे, वो हमारे बाद की जो पीढ़ी होगी वो अलग खिलौनों से खेलते होंगे, लेकिन हमें भी तो लगातार इसमें परिवर्तन लाते रहना चाहिए। और सरकार इस दिशा में जरूर प्रयास करेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा काशीवासियों से मिलने का मुझे मौका मिला। धन्यवाद जी। धन्यवाद। और प्रधानमंत्री जी, अब रुख करते हैं राजस्थान का। जयपुर शहर के कठपुतली क्लस्टर से खिलौने बनाने वाले कारीगरों से बात करते हैं, जिनमें कठपुतली बनाने वाले हस्तशिल्पकार और कठपुतली कला से जुड़े कलाकार दोनों मौजूद हैं। जयपुर का कठपुतली टॉय क्लस्टर। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम जयपुर वासियों की तरफ से नमस्कार। मैं बिमला देवी भाट कठपुतली कॉलोनी जयपुर से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ जयपुर में 3 कॉलोनी है। पहली कठपुतली नगर, दूसरी कलाकार कॉलोनी पानीपेच एवं जगतपुरा में, जिसमें हम करीब लगभग 1100 कारीगर काम करते हैं, जिसमें 650 पुरुष है और 450 महिलाएं हैं। इसका कार्य को हम खानदानी काम है, ये हमारा हमारे पूर्वजों से हमें ये विरासत में ही प्राप्त हुआ। कठपुतली जो हम बनाते हैं वो आड़ू की लकड़ी से बनाते हैं। आड़ू की लकड़ी को छील के हम अलग अलग आकार देते हैं, फिर उसको विभिन्न तरह से पेंट करते हैं, फिर उनको पोशाकें बनाई जाती है, जिसमें लहरिया, बंधेज और राजस्थानी चुनरी प्रमुख है। उसको बना के हम ऐसा शेप देते हैं, ये इस तरह से तैयार होती है। और 27 फरवरी 2021 को जो टॉय फेयर लगा है, इंडिया टॉय फेयर, उसमें हम 15 आर्टिस्टों को भाग लेने का अवसर मिला है और हम बहुत खुश है कि इसमें हमारी कला को आगे बढ़ाने का उत्साह मिल रहा है। उसके लिए इंडिया टॉय फेयर और प्रधानमंत्री जी का हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। चलिए, मुझे अच्छा लगा। शायद ही हमारे देश में कोई बालक ऐसा होगा कि जिसने कठपुतली का खेल न देखा हो और कठपुतली का खेल देखने के लिए उसका मन न कर गया हो। आप सोचिए, दुनिया इतनी बदल गई, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, बड़े बड़े अरबों खरबों रुपयों के बड़े बड़े थिएटरों में और बड़ी बड़ी फिल्में आने लग गई, लेकिन आपके प्रति जो बालक मन का आग्रह रहता है, उसको देखने की क्यूरियोसिटी रहती है, वो जरा भी कम नहीं हुई है। ये एक तो सबसे पहले कठपुतली कला से जुड़े हुए आप सब बधाई पात्र हैं, आपके पूर्वज बधाई के पात्र हैं, और आपने इसमें गौरव रखा हुआ है। आप में मैंने देखा है कि बहुत ही बड़े पढ़े लिखे लोगों का ऑडियंस बैठा हो, बड़ी 5-स्टार होटल में किसी कोने में आप काम कर रहे हो, मैंने देखा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा गजब होता है। सामने बैठा वाला कितना बड़ा धनी है, कितना पढ़ा लिखा है, आपको कोई असर नहीं होता है। आप अपने कठपुतली के उन खिलौनों में बिल्कुल रम जाते हैं, ये मैंने देखा है, और ये ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन क्या कभी आपको सोचा है कि आप लोग आज का जो एडवर्टाइजमेंट का युग है, उस एडवर्टाइजमेंट के युग में इस कठपुतली के खेल का बहुत बढ़िया तरीके से उपयोग कर। जैसे मान लीजिए कोई आप चाहते हैं कि भाई बच्चों को हाथ धोना चाहिए, साबुन से हाथ धोना चाहिए, ये हम कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, लेकिन कोई साबुन कंपनी वाली कठपुतली वालों को कहे, देखिए हम आपको छोटे छोटे साबुन बना के देते हैं, आप कठपुतली से ही साबुन देना, साबुन से हाथ धोना बच्चों को सिखाने वाला कार्यक्रम कीजिए, उस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट भी होगा और आपको ये एडवर्टाइजिंग का पैसा भी मिलेगा। क्या कभी ऐसा सोचा है आप लोगों ने? सर, हम कर सकते हैं अगर अवसर मिले तो। अच्छा, आप कर सकते हैं। देखिए, जैसे टूथपेस्ट है, बच्चों को भाई ब्रश करना चाहिए, तो आप मास्क लगा के कठपुतली बनाई है सर हमने। क्या बनाया है? मास्क लगाना सिखाया है। अच्छा, मास्क वाली बनाई है? जी हाँ। देखिए, ये है, देखिए ये बदलते हुए समय के साथ कैसे बदलता है, और ये आप लोग अभी भी प्रभाव पैदा किए, उसका कारण यही है कि आपको विचार आया कि आपकी कठपुतली मास्क वाली होगी।
मतलब कि आपने आधुनिकता के साथ जोड़ा, आपने मैसेजिंग भी किया। मुझे लगता है, मैं भी हमारे सरकार के लोगों को कहूंगा कि कठपुतली और परंपरागत उद्योग गृह अपने एडवर्टाइजमेंट, इन दोनों को कैसे करें, आपको बहुत बड़ा बिजनेस मिल सकता है। जब मैं गुजरात में था तो मैंने कुछ एडवर्टाइजिंग कंपनियों को पतंग के लिए काम करने के लिए बोला था और मैंने कहा था पतंग के साथ आप एड कैंपेन का एक बड़ा मिशन बनाइए, और जो पतंग बनाने वाले थे उनको अच्छी कमाई शुरू हुई थी उससे। तो मैं चाहूंगा कि आपको भी ये बेनिफिट मिलना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां भी आपके पास दौड़ेगी, फिर तो हर पार्टी आएगी कि हमारा सिंबल लेके आप जरा दिखाइए लोगों को हमारी पार्टी का आवश्यकता है, हमारे है इसी अवसर की आवश्यकता है ताकि हम हमारी कला को आगे बढ़ा सके। नहीं नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो हमारा समिट है उसे बहुत बड़ा फायदा होगा। मुझे अच्छा लगा आप लोगों से बात कर करके, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, धन्यवाद, और बहुत शुभकामनाएं है मेरी। और इसमें नयापन लाइए, नए तरीके। मैंने देखा है पहले तो आप लोग पंचतंत्र की कथाएं कहते थे, रामायण महाभारत की कथाएं कहते हैं, लेकिन मैंने देखा आजकल आप फिल्मी गाने बहुत ज्यादा कर रहे हो। सर हमने नए खिलौने बनाए हैं, कठपुतली के साथ हमने नए खिलौने बनाए हैं, ये हमने नए बनाए हैं सर। लेकिन पुरानी परंपरा को छोड़ना नहीं है, नहीं क्योंकि कठपुतली में बच्चों को संस्कार करने की, कथा कहने की बड़ी ताकत होती है। इस विधा को छोड़ना नहीं, आपने उसमें नयापन लाना है। जी जी सर, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके। सर मेरी तरफ से और मेरे आर्टिटोस की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी खिलौना कारीगरों का धन्यवाद। एक सोच से ही हर बड़ी पहल की शुरुआत होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ही सोच है कि देश के खिलौना कारोबार को खिलौना निर्माण और आउटसोर्सिंग का वैश्विक हब बनाया जाए। आज से शुरू हो रहा भारत खिलौना मेला इस दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध आग्रह करती हूं कि अपने प्रेरणादायक शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी से बात करके ये पता चलता है कि हमारे देश की टॉय इंडस्ट्री में कितनी बड़ी ताकत छिपी हुई है। इस ताकत को बढ़ाना, इसकी पहचान बढ़ाना आत्मनिर्भर भारत अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये हम सभी के लिए आनंद की बात है कि आज हम देश के पहले टॉय फेयर की शुरुआत का हिस्सा बन रहे हैं। टॉय फेयर के इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे कैबिनेट के मेरे सभी साथी, टॉय इंडस्ट्री से जुड़े सभी प्रतिनिधिगण, सभी कारीगर भाई बहन, पेरेंट्स, टीचर्स और प्यारे बच्चों, ये पहला टॉय फेयर केवल एक व्यापारिक या आर्थिक कार्यक्रम भर नहीं है। ये कार्यक्रम देश की सदियों पुरानी खेल और उल्लास की संस्कृति को मजबूत करने की एक कड़ी है। मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम की प्रदर्शनी में कारीगरों और स्कूलों से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1000 से अधिक एग्जीबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं। आप सभी के लिए एक ऐसा मंच होने जा रहा है जहां आप खिलौनों के डिजाइन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी से लेकर मार्केटिंग, पैकेजिंग तक चर्चा परिचर्चा भी करेंगे और अपने अनुभव साझा भी करेंगे।
टॉय फेयर 2021 में आपके पास भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग और ई स्पोर्ट्स उद्योग के इकोसिस्टम के बारे में जानने का अवसर होगा। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि यहां पर बच्चों के लिए ढेरों गतिविधियां भी रखी गई हैं। मैं टॉय फेयर के इस आयोजन में अपनी भूमिका निभाने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, खिलौनों के साथ भारत का रचनात्मक रिश्ता, क्रिएटिव रिलेशन उतना ही पुराना है जितना इस भूभाग का इतिहास है। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पे के दौर के खिलौनों पर पूरी दुनिया ने रिसर्च की है। प्राचीन काल में दुनिया के यात्री जब भारत आते थे, वो भारत में खेलों को सीखते भी थे और अपने साथ खेल लेकर भी जाते थे। आज जो शतरंज दुनिया में इतना लोकप्रिय है, वो पहले चतुरंग या चादुरंगा के रूप में भारत में खेला जाता था। आधुनिक लूडो तब 25 के रूप में खेला जाता था। हमारे धर्म ग्रंथों में भी आप देखिए, बाल राम के लिए अलग अलग कितने ही खिलौनों का वर्णन मिलता है। गोकुल में गोपाल कृष्ण घर के बाहर अपने मित्रों के साथ कंदुक यानी बॉल से खेलने जाते थे। हमारे प्राचीन मंदिरों में भी खेलों के, खिलौनों के शिल्प को उकेरा गया है। खास करके तमिलनाडु में, चेन्नई में अगर आप वहां मंदिरों को में देखेंगे तो ऐसे कितने ही उदाहरण देखने को मिलेंगे कि मंदिरों में भी अलग अलग खेल, अलग अलग खिलौने, वो सारी चीजें वहां आज भी दीवारों पर दिखती हैं। साथियों, किसी भी संस्कृति में जब खेल और खिलौने आस्था के केंद्रों का हिस्सा बन जाए तो इसका अर्थ है कि वो समाज खेलों के विज्ञान को गहराई से समझता था। हमारे यहां खिलौने ऐसे बनाए जाते थे जो बच्चों के चहुमुखी विकास में योगदान दें, उनमें एनालिटिकल माइंड विकसित करें। आज भी भारतीय खिलौने आधुनिक फैंसी खिलौनों की तुलना में कहीं सरल और सस्ते होते हैं, सामाजिक भौगोलिक परिवेश से जुड़े भी होते हैं। साथियों, रीयूज और रीसाइक्लिंग जिस तरह भारतीय जीवन शैली का हिस्सा रहे हैं, वही हमारे खिलौनों में भी दिखता है। ज्यादातर भारतीय खिलौने प्राकृतिक और इको फ्रेंडली चीजों से बनाते हैं। उनमें इस्तेमाल होने वाले रंग भी प्राकृतिक और सुरक्षित होते हैं। अभी हम वाराणसी के लोगों से बात कर रहे थे, वाराणसी के लकड़ी के खिलौने और गुड़िया को देखिए, राजस्थान के मिट्टी के खिलौने देखिए, ऐसे ही पूर्वी मेदिनीपुर की गलर गुड़िया है, कच्छ के कपड़ा डिंगला और डिंगली है, आंध्र प्रदेश के इटीकोपक बोम्मलू और बुधनी के लकड़ी के खिलौने हैं, कर्नाटक जाएंगे तो वहां के चन्नपटना खिलौने अभी जो हमसे देख रहे थे, तेलंगाना के निर्मल खिलौने, चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने, धुबरी असम के टेराकोटा के खिलौने, ये सब खिलौने अपने आप में कितने डाइवर्स हैं, कितनी अलग अलग खूबियों से भरे हैं, लेकिन सब में एक समानता है कि सभी खिलौने इको फ्रेंडली
और क्रिएटिव है। ये खिलौने देश के युवा मन को हमारे इतिहास और संस्कृति से भी जोड़ते हैं और सामाजिक मानसिक विकास में भी सहायक होते हैं। इसलिए आज मैं देश के टॉय मैन्युफैक्चरर्स से भी अपील करना चाहूंगा कि आप ऐसे खिलौने बनाएं जो इकोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों के लिए ही बेहतर हो। क्या हम ये प्रयास कर सकते हैं कि खिलौनों में कम से कम प्लास्टिक इस्तेमाल करें, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिन्हें रिसाइकल कर सकते हैं। साथियों, आज दुनिया में हर क्षेत्र में भारतीय दृष्टिकोण और भारतीय विचारों की बात हो रही है। भारत के पास दुनिया को देने के लिए एक यूनिक पर्सपेक्टिव भी है। ये हमारी परंपराओं में, हमारे परिधानों में, हमारे खानपान में, हर जगह ये विविधताएं एक ताकत के रूप में नजर आती हैं। इसी तरह भारतीय टॉय इंडस्ट्री भी इस यूनिक इंडियन पर्सपेक्टिव को, भारतीय विचार बोध को प्रोत्साहित कर सकती है। हमारे यहां खिलौने तो पीढ़ियों की विरासत के तौर पर रखे और सहजे जाते रहे हैं। दादी नानी के खिलौने परिवार के तीसरी चौथी पीढ़ी तक को दिए जाते थे। त्योहारों पर परिवार के लोग अपने खिलौने निकालते थे और अपने पारंपरिक संग्रह को एक दूसरे को दिखाते भी थे। जब हमारे खिलौने इसी इंडियन एस्थेटिक से सजे होंगे तो इंडियन थॉट्स, भारतीयता की भावना भी बच्चों के अंदर और मजबूती से विकसित होगी, उसमें इस मिट्टी की महक होगी। प्यारे बच्चों और साथियों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक कविता में कहा है कि व्हेन आई ब्रिंग टू यू कलर्ड टॉयज माय चाइल्ड आई अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज सच ए प्ले ऑफ कलर्स ऑन क्लाउड्स ऑन वाटर एंड व्हाई फ्लावर्स आर पेंटेड इन टिंट्स व्हेन आई गिव कलर्ड टॉयज टू यू माय चाइल्ड। यानी एक खिलौना बच्चों को खुशियों की अनंत दुनिया में ले जाता है। खिलौना का एक एक रंग बच्चों के जीवन में कितने ही रंग बिखेरता है। आज यहां इतने खिलौनों को देखकर यहां उपस्थित बच्चे जैसा महसूस कर रहे हैं वही अनुभव हम सबने भी अपने बचपन की यादों में संजोकर रखा है। कागज के हवाई जहाज, लट्टू, कंचे, पतंग, सीटियां, झूले, कागज के घूमने वाले पंखे, गुड्डे और गुड़ियां, ऐसे कितने ही खिलौने हर बचपन के साथी रहे। साइंस के कितने ही सिद्धांत, कितनी ही बातें, जैसे कि रोटेशन, ऑसिलेशन, प्रेशर, फ्रिक्शन, ये सब हम खिलौनों से खेलते हुए, उन्हें बनाते हुए खुद ब खुद सीख जाते थे। भारतीय खेल और खिलौनों की ये खूबी रही है कि उनमें ज्ञान होता है, विज्ञान भी होता है, मनोरंजन होता है और मनोविज्ञान भी होता है। उदाहरण के तौर पर लट्टू को ही ले लीजिए। जब बच्चे लट्टू से खेलना सीखते हैं तो लट्टू खेल खेल में ही उन्हें ग्रेविटी और बैलेंस का पाठ पढ़ा जाता है। वैसे ही गुलेल से खेलता बच्चा जाने अनजाने में पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी के बारे में बेसिक सीखने लगता है।
पजल टॉय से रणनीतिक सोच और समस्या को सुलझाने की सोच विकसित होती है। इसी तरह नवजात बच्चे भी जुनजुने और बाजे घुमा घुमाकर सर्कुलर मूवमेंट को महसूस करने लगते हैं। आगे जाकर इन्हीं चीजों को जब उन्हें उनकी कक्षा में किताबों में पढ़ाया जाता है तो अपने खेल से उसे रिलेट कर पाते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझ पाते हैं। केवल किताबी ज्ञान से ये समझ नहीं, समझ विकसित ही नहीं हो सकती है। साथियों, आप सबने भी देखा होगा कि रचनात्मक खिलौने कैसे बच्चों के सेंसेस को डेवलप करते हैं, उनकी कल्पनाओं को पंख देते हैं। अपने खिलौनों के इर्द गिर्द बच्चे कैसे अपनी कल्पनाओं का एक पूरा संसार बना लेते हैं। जैसे कि आप किसी बच्चे को खिलौनों वाले बर्तन दीजिए, वो ऐसे व्यवहार करना लगेगा जैसे कि पूरे किचन की व्यवस्था संभाल रहा है और पूरी परिवार को वही आज खाना खिलाने वाला है। उन्हें आप जानवरों वाले खिलौने दीजिए तो अपने मन में एक पूरा जंगल बना देता है, खुद भी आवाज निकालने लगता है, जो भी ठीक लगे उसको लगता है कि ये शेर है तो ऐसी आवाज निकालता है। उन्हें एक टेलीस्कोप दे दीजिए, थोड़ी देर में देख लीजिए वो डॉक्टर बन जाएगा, फैमिली डॉक्टर बन जाएगा और पूरे परिवार के सबकी तबीयत जांचना शुरू कर देता है, जांच पड़ताल करने लग जाता है। ऐसे ही केवल एक बॉल से वो घर के भीतर पूरा फुटबॉल ग्राउंड बना लेते हैं। रॉकेट का खिलौना मिलते ही स्पेस मिशन पर वो निकल पड़ते हैं। उनके सपनों की उस उड़ान की कोई सीमा नहीं होती, कोई अंत नहीं होता। बस उन्हें एक छोटा सा ऐसा खिलौना चाहिए जो उनकी उत्सुकता को, उनकी क्रिएटिविटी को जगा दे। अच्छे खिलौनों की यह खूबसूरती होती है कि वो एजलेस और टाइमलेस होते हैं। आप भी जब बच्चों के साथ खेलने लगते हैं तो इन खिलौनों के जरिए अपने बचपन में चले जाते हैं। इसलिए मैं सभी माता पिता से ये अपील करूंगा कि आप जिस तरह बच्चों के साथ पढ़ाई में इन्वॉल्व होते हैं वैसे ही उनके खेलों में भी शामिल होइए। मैं नहीं कह रहा कि आप अपने घर का, अपने ऑफिस का सब काम छोड़ दें और घंटों बच्चों के साथ खेलते ही रहे, लेकिन आप उनके खेलों में शामिल तो हो ही सकते हैं। आजकल परिवारों में प्ले टाइम की जगह स्क्रीन टाइम ने ले ली है, लेकिन आपको खेल और खिलौनों की भूमिका को जरूर समझना चाहिए। खिलौनों का जो वैज्ञानिक पक्ष है, बच्चों के विकास में, उनकी लर्निंग में खिलौनों की जो भूमिका है, उसे पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और टीचर्स को स्कूलों में भी उसे प्रयोग करना चाहिए। इस दिशा में अब देश भी प्रभावी कदम उठा रहा है, व्यवस्था में जरूरी परिवर्तन कर रहा है। इसका एक उदाहरण हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्ले आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा को बड़े पैमाने पर शामिल किया गया है। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें बच्चों में पहेलियों और खेलों के माध्यम से तार्किक और रचनात्मक सोच बढ़े, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथियों, खिलौनों के क्षेत्र में भारत के पास ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। भारत के पास कंसेप्ट भी है और कॉम्पिटेंस भी है। हम दुनिया को इको फ्रेंडली टॉयज की ओर वापस लेकर जा सकते हैं।
हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कंप्यूटर गेम्स के जरिए भारत की कहानियों को, भारत की जो मूलभूत मूल्य हैं, उन कथाओं को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद 100 बिलियन डॉलर के वैश्विक खिलौना बाजार में आज हमारी हिस्सेदारी बहुत ही कम है। देश में 85% 85% खिलौने बाहर से आते हैं, विदेशों से मंगाए जाते हैं। पिछले 7 दशकों में भारतीय कारीगरों की, भारतीय विरासत की जो उपेक्षा हुई, उसका परिणाम यह है कि भारत के बाजार से लेकर परिवार तक में विदेशी खिलौने भर गए हैं। और वो खिलौना सिर्फ नहीं आया है, एक विचार प्रवाह हमारे घर में घुस गया है। भारतीय बच्चे अपने देश के वीरों, हमारे नायकों से ज्यादा बाहर के स्टार्स के बारे में बात करने लगे। इस बाढ़ ने, ये बाहरी बाढ़ ने हमारे लोकल व्यापार की बड़ी मजबूत चेन भी तोड़ के रख दी है, तहस नहस कर दी है। कारीगर अपनी अगली पीढ़ी को अपना हुनर देने से बचने लगे हैं, वो सोचते हैं कि बेटे इस कारोबार में ना आए। आज हमें इस स्थिति को बदलने के लिए मिलकर काम करना है। हमें खेल और खिलौनों के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाना है, वोकल फॉर लोकल होना है। इसके लिए हमें आज की जरूरतों को समझना होगा। हमें दुनिया के बाजार को, दुनिया की प्राथमिकताओं को जानना होगा। हमारे खिलौनों में बच्चों के लिए हमारे मूल्य, संस्कार और शिक्षाएं भी होनी चाहिए और उनकी गुणवत्ता भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से होनी चाहिए। इस दिशा में देश ने कई अहम फैसले लिए हैं। पिछले वर्ष से खिलौनों की क्वालिटी टेस्ट को अनिवार्य किया गया है। इंपोर्ट होने वाले खिलौनों की हर खेप में भी सैंपल टेस्टिंग की इजाजत दी गई है। पहले खिलौनों के बारे में सरकारें बात करने की भी जरूरत नहीं समझती थी, इसे कोई गंभीर विषय नहीं समझा जाता था। लेकिन अब देश ने खिलौना उद्योग को 24 प्रमुख क्षेत्रों में दर्ज किया है, उसका दर्जा दे दिया है। नेशनल टॉय एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। इसमें 15 मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया गया है ताकि ये उद्योग कॉम्पिटिटिव बने, देश खिलौनों में आत्मनिर्भर बने और भारत के खिलौने दुनिया में भी जाएं। इस पूरे अभियान में राज्यों को बराबर का भागीदार बनाकर टॉय क्लस्टर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही देश टॉय टूरिज्म की संभावनाओं को भी मजबूत कर रहा है। भारतीय खेलों पर आधारित खिलौनों को प्रमोट करने के लिए देश में टॉयकाथोन 2021 का आयोजन भी किया गया था। मुझे बताया गया है कि इस टॉयकाथोन में 12 लाख से अधिक युवाओं ने, शिक्षकों ने और विशेषज्ञों ने रजिस्ट्रेशन कराया और 7,000 से अधिक नए नए आइडियाज आए। ये दिखाता है कि दशकों की उपेक्षा और कठिनाइयों के बावजूद भारत की प्रतिभा, भारत का हुनर आज भी असाधारण संभावनाओं से भरा हुआ है। जिस तरह भारत ने अतीत में अपने उल्लास से, अपनी ऊर्जा से मानवता के जीवन में रंग घोले थे, वो ऊर्जा आज भी उतनी ही जीवंत है।
आज टॉय फेयर के इस अवसर पर हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस ऊर्जा को आधुनिक अवतार दें, इन संभावनाओं को साकार करें। और हां, याद रखिए, अगर आज मेड इन इंडिया की डिमांड है तो आज हैंडमेड इन इंडिया की डिमांड भी उतनी ही बढ़ रही है। आज लोग खिलौनों को केवल एक प्रोडक्ट के रूप में ही नहीं बल्कि उस खिलौने से जुड़े अनुभव से भी जुड़ना चाहते हैं। इसलिए हैंडमेड इन इंडिया को भी प्रमोट करना है। हमें यह भी याद रखना है कि जब हम कोई खिलौना बनाते हैं तो हम एक बाल मन को घड़ते हैं, बचपन के असीम उल्लास को घड़ते हैं, उसमें सपने भरते हैं। यही उल्लास हमारे कल का निर्माण करेगा। मुझे खुशी है कि आज हमारा देश इस जिम्मेदारी को समझ रहा है। हमारे ये प्रयास आत्मनिर्भर भारत को वही स्फूर्ति देंगे जो स्फूर्ति बचपन में एक नई दुनिया रचती है। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर से अनेक अनेक शुभकामनाएं। और अब दुनिया में हिंदुस्तान के खिलौनों का डंका बजाना ये हम सबका दायित्व है। हमें मिलकर का प्रयास करना है, निरंतर प्रयास करना है, नए नए रंग रूप के साथ प्रयास करना है, नई नई सोच, नए नए विज्ञान, नए नए टेक्नोलॉजी हमारे खिलौनों के साथ जोड़ते हुए करना है। और मुझे विश्वास है कि ये हमारा टॉय फेयर हमें उस दिशा में ले जाने के लिए एक बहुत मजबूत कदम के रूप में सिद्ध होगा। मैं फिर एक बार आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।